एनडीए सबसे मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आप जाइए नीरज चोपड़ा जी की तरह। मिल्खा सिंह का एग्जांपल, वो भी आर्म फोर्सेस के थ्रू ही उन्होंने उस लेवल पे अचीवमेंट हासिल किया। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एएफएमसी और एमएनएस के थ्रू चले जाइए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप रडार बनाइए। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाइए। आप विंग कमांडर अभिनंदन की तरह अकेले इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इस बार भी जो इंडिया की मेरिट आई थी उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 गर्ल्स में मेरी स्टूडेंट थी। इससे पहले जब मेरिट आई थी तो ऑल इंडिया रैंक 2 गर्ल्स में सानिया मिर्जा मेरे स्टूडेंट थी। फौज की रिक्वायरमेंट ये नहीं कि हमें 95% प्रोफाइल वाला बच्चा चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हो। फौज की रिक्वायरमेंट है एकेडमिक प्रोफाइल प्लस पर्सनालिटी प्रोफाइल। नमस्कार, सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन बात जब देश सेवा की हो तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माँ की सेवा के लिए सेना की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन तभी परिवार में कुछ समस्याएं आ गई तो नौकरी छोड़कर ये अपने परिवार के साथ आ गए। लेकिन इस दिन इन्होंने एक संकल्प लिया कि अपनी तरह हजारों युवाओं को तैयार करूंगा, ट्रेंड करूंगा और भारत माँ की सेवा के लिए उन्हें सेना में भेजूंगा। तो स्वागत कीजिए सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के डायरेक्टर और जिन्होंने अपने ज्ञान से हजारों युवाओं को दीक्षित किया, स्वागत है शिशिर दीक्षित का। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। एक पहला सवाल और सीधा सवाल जी कि आप जो हैं जो कर रहे हैं देश सेवा कहें या बिजनेस कहें, कोचिंग आप चलाते हैं या फिर दोनों कहें? मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस का कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि सेना में भी रह के मैंने देखा और रहते हुए ग्रेजुअली ये रियलाइज हुआ कि मुझे लगता है आर्म फोर्सेज में अगर आप पार्ट हैं तो उसको हम वो आपकी सेवा करना, जो आपने बोला सेवा परमो धर्म, तो एक लाइन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बेहतर कोई धर्म ही नहीं है, इससे बेहतर कोई मुझे लगता है जॉब है नहीं। एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका है। तो अगर मैं फौज में होता तो मुझे लग रहा है कि लाखों रुपए की सैलरी होती, तो जब यहाँ आ गया, इन्वॉल्व हो गया, तो मुझे लगता है कि मनी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हम सभी की लाइफ में। अगर हम देखें हम सभी की लाइफ में मनी इम्पोर्टेंट रिसोर्स भजन नहीं होता। यस, हर किसी को मनी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, तो ये तो इसकी जरूरत है, पर इसके साथ आप सबसे मीनिंगफुल क्या रेंडर कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस से आने के बाद कैसे हजारों लाखों युवाओं को कैसे मोटिवेट किया जाए, क्योंकि हमारे देश में मिलिट्री सिस्टम जाने से पहले ब्राज़ील, इज़राइल या रशिया जैसा नहीं है जहाँ पे आर्म फोर्सेस में एक वॉलंटियर हर घर से कंपलसरी है, वैसा नहीं है। तो हम क्या ऐसा करें, तो मेरे माइंड में ये आया और उसका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम मिलके आज लाखों ऐसे युवाओं को ट्रेन कर रही है जो एनडीए, सीडीएस, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और एएफ कैट जैसे एग्जामिनेशन में आर्म फोर्सेज में ऑफिसर कार्डर पे ज्वाइन कर रहे हैं और पूरी फ्लाइट हम भेजते हैं आर्म फोर्सेज में। एनडीए में तकरीबन 100 बच्चों से ज़्यादा आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब इस प्रोसेस में हम इन्वॉल्व हो गए तो बिजनेस माइंड में कभी आया नहीं। मुझे लगता है कि हम कैसे उन बच्चों को, उनको पहुँच कर, उनको कैसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से सबसे बेहतर सर्व कर सकते हैं। हर सेना के जवान के लिए सर राष्ट्र सर्वोपरि है। आखिर क्या समस्या थी, क्या मजबूरी थी कि आपने परिवार की सेवा को उस समय ज़्यादा महत्व दिया? ये 12th के बाद मैं मेरे मन में एक जज्बा था कि मैं भी जो सबसे मीनिंगफुल मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते थी यूनिफॉर्म, तो मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली, वो भी एयरफोर्स की एनसीसी ज्वाइन करी। एनसीसी जब मैं कर रहा था तो मुझे इन्वॉल्व लगा, ऐसा अपने आप में फील ये हुआ कि यार और अच्छे लेवल पे कैसे कर सकते हैं। तो इमिडिएटली घर के हालात, क्योंकि मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से था, तो जैसे पता चलता गया फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स ज्वाइन करते हुए ग्रेजुअली मैंने बहुत कुछ सीखा भी, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करी, और इस पूरे 10 साल के प्रोसेस में जो जवानी का मुझे लगता है हमारी लाइफ में सबसे कीमती टाइम वही होता है, वो फेज होता है जब आप 20 साल से 30 साल के बीच में या 18 साल से 28-29 साल के बीच में होते हैं, तो वो मैंने सबसे जो मूल्यवान टाइम था वो मैंने फौज में दिया और मैंने हमेशा मैं उसके लिए प्राउडफुल फील करता हूँ। बट दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, माँ और मातृभूमि। तो मुझे लगता है कि मातृभूमि के लिए ऑलरेडी मैंने 10 साल तकरीबन ये काम कर लिया, और एक ऐसी रिक्वायरमेंट घर में भी आई जहाँ पे उनकी बीमारी और घर के और हालात ऐसे हुए, और मेडिकल टेस्ट में मेरा भी ईसीजी रिपोर्ट बार बार अब नॉर्मल आ रहा था, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे लगा कि अब शायद टफ पोस्टिंग में मैं जाऊँगा तो मे बी मेरी मेडिकल फिटनेस या इन चीज़ों से, या फिर आप अपना 100% नहीं 100% मे बी मैं नहीं दे पाऊँ, तो मैं, मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैं इससे और बेहतर कैसे देश को सर्व कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने जैसे हजारों युवाओं को, जो मैं ग्रामीण क्षेत्र से था
तो हर तरीके के सेक्शन के जो बच्चे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको कैसे मैं रेंडर करूं, कैसे मैं आर्मी एयरफोर्स नेवी को मैं सपोर्ट कर पाऊं। क्योंकि फेयरवेल पार्टी में ये बात मैं बोल के आया था, मैंने कहा था कि मैं मुझे मजबूरन जाना तो पड़ रहा है यहाँ से, लेकिन आने वाले टाइम में आप मुझे देखोगे कि मैं हज़ारों बच्चों को आर्म फोर्सेज में भेजूंगा। और प्राउडफुली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग करी थी वहाँ पे जो अकाउंट ऑफिसर है वो भी आज मेरी स्टूडेंट है। तो ज़्यादातर यूनिट्स में हमारे बच्चे आर्मी एयरफोर्स नेवी में हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैं अपने आप से जब पूछता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आज भी मैं देश सेवा इस तरीके से कर रहा हूँ, शायद मैं आज भी फौज में हूँ। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी यही नाम है जी। तो कैसे आप अपने कोचिंग के जरिए कैसे युवाओं को ट्रेन करते हैं, ऐसा तरीका बताइए हमें जी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब कोई भी युवा जो 10th के बाद बच्चे डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं, जिसमें से वो सोचते हैं कि सबसे बेहतर करियर ऑप्शन उनके लिए क्या है, तो NDA सबसे मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें NDA और MNS के तौर पर, क्योंकि MNS के बारे में बहुत बच्चों को नहीं पता है। MNS मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। नीट के बारे में बच्चों को पता है, बट MNS के बारे में बच्चों को नहीं पता है। NDA, MNS, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे NDA के लिए जाते हैं, तकरीबन 20 से 22 लाख बच्चों ने इस बार भी फॉर्म भरा। साल में 2 बार ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। देश भर से किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, कितना भी उसका परसेंटेज हो, कोई भी उसका मीडियम हो, वो NDA का फॉर्म भर सकता है। और सेना में अधिकारी पद पे जाने के लिए उसको एक रिटन एग्जाम देना होता है और उसको इंटरव्यू का। NDA और MNS ये दोनों तैयारी आपकी कोचिंग करवाती है? NDA MNS आफ्टर 12th, और उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन कर लिया उसने तो उसके लिए उसके बाद भी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि सेना में जाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सरकार देती है। इसमें आप 41 साल तक सेना में अधिकारी बन सकते हैं। पता है दीक्षित जी क्या है ना, कि जब हम लोग 10वीं में पढ़ाई करते थे, 9वीं 10वीं में, तो तमाम तरह की बातें होती थी। सेना में जाने के कितने रास्ते हैं ये हमें पता नहीं था, तो शायद मैं भी जाता। तो 8वीं 9वीं में जब हमने भी करीब बॉर्डर और LOC कारगिल जब हमने फिल्म देखी थी, तो मेरा भी मन हुआ था कि वर्दी पहनते हैं एक बार और भारत माँ की सेवा में लगते हैं, देश सेवा में लगते हैं, सेना में जाते हैं। तो फिर तैयारी करते करते, मतलब तैयारी का दौड़ते धूपते थे थोड़ा सा घर के बाहर ही निकल के, तो कुछ लड़कों ने अपना ऐसे ही बना दिया कि आप जो हैं, आपके हाथ जो है ना, अगर ऐसे ऐसे अगर चिपक जाते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, ये दोनों घुटने चिपक जाएंगे ना तो नहीं जा पाएंगे। जी, तो ये क्या है, ये अफवाह है या फिर सच में ऐसा होता है, इसके बारे में लोगों को बहुत पता नहीं है। अभी 2 दिन और जिनके घुटने सट गए वो उनके लिए फिर क्या रास्ता है सेना में जाने का? जी जी, बहुत सारे गांव में बहुत सारे रूमर्स ऐसे रहते हैं। मैं उन सभी बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अगर मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है तो आप कभी किसी को इस तरीके की राय नहीं देनी चाहिए कि आप मेडिकली फिट नहीं है। हो सकता हो वो कल का जनरल आर्मी में बन जाए। अच्छा, क्योंकि आप मेडिकल, जैसे कोई मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर ये मेरा ये प्रॉब्लम लग रही है, सर मेरी ये उंगली टेढ़ी है, तो क्या सर मैं मेडिकली फिट हूँ? तो उसके लिए हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी कमांड हॉस्पिटल्स में या मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी वो सर्व कर चुके हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड में रहे हैं। तो मुझे लगता है वो क्वालिफाइड एक्सपर्ट जरूर काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए। उसके लिए भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में मेडिकल एग्जामिनेशन की पूरी टीम हमारी होती है। तो यूं ही हम किसी को देख के उसके अपेयरेंस वाइज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पीछे उसका एक लॉजिक है, उसका एक पैरामीटर है मेडिकल का। तो उसको बिना देखे हुए किसी को, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो जिसको जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अपने दोस्त को बोल देगा कि यार तुम्हारा ये हाथ टेढ़ा लग रहा है तो तुम मेडिकल फिट नहीं। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि किसी के करियर को बहुत अच्छे लेवल पे वो कर सकता है तो उसको रोकना हो गया। तो कभी किसी बच्चे को किसी की ओपिनियन पे नहीं सुनना चाहिए। मान लीजिए किसी के दिमाग में आ गया अब हमको सेना की तैयारी करनी है, सेना में जाना है, तो उसकी तैयारी 7वीं 8वीं क्लास से कैसे होनी चाहिए? ये मतलब ये जो सवाल है ये गार्जियनों के लिए भी बहुत जरूरी है, जो अभिभावक लोग हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि आपका जो गोल है, जो आपका उद्देश्य है, उसकी तैयारी मुझे लग रहा है उसकी जो नींव जो आप मजबूत करते हैं उसका टाइम यही राइट टाइम है जब आप क्लास 6, 7, 8 में होते हैं। तो सभी गार्जियन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं यही काउंसिल करना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बच्चे को वो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, सच में आप उसको मिलिट्री लीडरशिप सिखाना चाहते हैं, सच में आप उसको एक जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, उसको एक ऐसी कॉम्बैट ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिससे वो जब रात में सोने से पहले अपने आप से पूछेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको सबसे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा कि मैं देश की सेवा यूनिफॉर्म पहन के इस तरीके से कर रहा हूँ, जहाँ आपने जैसे बताया सेवा परमो धर्मा के भाव से कर रहा हूँ। फौज की रिक्वायरमेंट ये नहीं कि हमें 95% प्रोफाइल वाला बच्चा चाहिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हो। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है तो मतलब फौज की केवल रिक्वायरमेंट ये नहीं है, क्योंकि फौज की रिक्वायरमेंट है एकेडमिक प्रोफाइल प्लस पर्सनालिटी प्रोफाइल। जिन बच्चों को लगता है वो पढ़ने में एवरेज हैं बट उनका एटीट्यूड डायनेमिक है,
वो सेवा भाव उनके अंदर है, वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, वो ग्रुप में कंफर्टेबल हैं, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन है, वो उनके अंदर इनिशिएटिव है, वो उनके अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी है, और तो वो अगर उनके अंदर OLQs उनको लग रहा है कि है, तो मुझे लगता है कि बच्चे को ये पहले से ही वो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल वो घर से मिलती है। और अगर वो डिसिप्लिन बच्चा हमारे पास आता है तो मेरे लिए जब एडमिशन्स बहुत होते हैं सर, लेकिन जब बच्चा एक आता है जो वैल्यूज़ लेके आता है, तो हम उसको उस टैलेंट को हंट कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब क्लास में सबसे अच्छा बच्चा आता है जिसपे पेरेंट्स ने काम करके भेजा होता है। बड़ा काम का वीडियो है आज आपके लिए, और मास्टर साहब आए हैं, तो 3 मंत्र जो है हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए जी, कैसे सेना में जाने के लिए क्या होना चाहिए। पहली बात यह है कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो जितनी जल्दी सोच लें, मेरी पहली टिप ये है कि आप जितनी जल्दी गोल सेटिंग लाइफ में बना लें और सारी चीज़ें आप एक किनारे कर दीजिए, और एक बात कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी, वो जो सेल्फ इस्टीम, वो जो सेल्फ कंटेंटमेंट आपका है, जो आपकी सेल्फ बिलीफ है, जो आपका पावर है, वो आप ही के पास है। तो गोल सेटिंग बनाइए और अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करिए कि मैं आर्मी के लिए फिट हूँ, एयरफोर्स के लिए फिट हूँ, मैं कैसे सबसे बेस्ट तरीके से अपनी करियर ऑप्शन में अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। दूसरी बात है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11, 12 या ग्रेजुएशन में होते हैं, वो सिर्फ एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज के हम देख रहे हैं AI का सिनेरियो आ गया है, हम इस लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने स्किल्स को अपडेट करिए। हालांकि अगर मैं आर्म फोर्सेस सिलेक्शन सिस्टम की बात करूं, तो वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपके स्किल का टेस्ट नहीं है, आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। तो एटीट्यूड आप डेवलप अल्टर कैसे करेंगे, उसके लिए आपकी एटलीस्ट स्किल्स डेवलप करिए। तो स्किल्स हम कब डेवलप सबसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने जब हम इस पड़ाव में होते हैं, जब 15 साल से 20 साल के फेज में होते हैं, जहाँ पे यू कैन रीडिफाइन योर इंटरेस्ट, यू कैन रीडिफाइन योर हॉबीज़, अच्छी हॉबीज़ डेवलप करिए, ग्रुप स्किल्स डेवलप करिए, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ किताबी कीड़े बन के मत रहिए, और चीज़ों में अपने आप को होलिस्टिक अप्रोच में एज अ वॉलंटियर अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होंगी। तो ये दूसरी टिप हो गई। तीसरी लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परसेवरेंस, इसको मैं एक लाइन में अगर बोलूं तो कर्मणेवा अधिकार रस्ते माँ फलेसु कदाचन, मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। एक बहुत अच्छी लाइन है, लाइन यह है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। पुरुषार्थ मतलब परसेवरेंस अगर आपके दाहिने हाथ में है, तो जीत आपके बाएँ हाथ में होगी। अच्छा, तो परसेवरेंस रखिए, मतलब आप एक बहुत सारे बच्चे एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ उनका, तो उनको लगता है वो उनसे नहीं हो पाएगा, दूसरे एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो उनको लगता है उनसे हो नहीं पाएगा, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर वो अग्निवीर की तरफ चले जाएंगे या फिर वो 10,000 वाली जॉब ढूंढ लेंगे। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी अर्ली, इट इज़ टू अर्ली, आप अपनी गोल जो आपने डिसाइड किया उस पर बने रहिए। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, जो आपने डिसाइड किया है जब तक वो अचीव ना हो, क्योंकि हमारी लाइफ एक है, हम उसको कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, हम उसको कैसे सबसे बेस्ट तरीके से सर्व कर सकते हैं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन हो, तो आप परसेवरेंस जरूर मेंटेन करके रखिए। जयो में सब व्याहिता, जीत आपके बाएं हाथ में होगी अगर आपने उसको प्रोसेस में अपने आप को इंगेज करके रखा। यही 3 टिप्स मेरी तरफ से। अच्छा, एक चीज़ जो कहा जाता है कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी कड़ी होती है, नौकरी भी कड़ी होती है, उस चक्कर में कई लोग जो है पहले से ही मन में बैठा के रखे हैं कि बेटा है तो उसको सेना की तैयारी करवाएंगे, बेटी है तो यार बायो में दिलवा लुआ के डॉक्टर वॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बनवा देंगे, सेना के बारे में सोचते ही नहीं है अगर उनकी बेटी है तो। लेकिन मैंने आपके पुराने कुछ वीडियोस देखे, मुझे भी पता लगा कि भाई बेटियों के लिए बड़ा स्कोप है सेना में, तो क्या रास्ता है लड़कियों के लिए? किसी भी बच्ची के अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हैं, तो आर्म फोर्सेज में जरूर वो सुटेबल है। मुझे लगता है 1 इज़ लीडरशिप, क्या वो इनिशिएटिव लेके अपने समाज के लिए, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कुछ और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, 1। 2, क्या उसका करेज फैक्टर अच्छा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि उसको डर लगता है अंधेरे से या पानी से डर लगता है, अगर उसके अंदर थोड़ा भी उसको करेजियस अप्रोच है, और 3rd लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसका इमोशनल क्वोशेंट कैसा है, अगर वो इमोशनली बैलेंस्ड है। कई बार ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गर्ल्स के सिलेक्शन और रिजेक्शन में, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब सवाल पूछता है, तो अगर वो बहुत ओवर इमोशनल तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ पे रात में 11 बजे कोई खटखटाता है तो सबसे पहले कोई मेल आता है, भैया आते हैं हमारे, पापा आते हैं खोलने के लिए गेट। तो अगर वो उसने थोड़े लाइफ में एक्सपोजर लेवल उसका अच्छा है, उसने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, डेलिकेट डार्लिंग की तरह घर में नहीं रही है,
बाहर उसने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं तो डेफिनेटली वो अब बोल्ड जरूर होगी, बोल्ड होगी तो इमोशनली बैलेंस जरूर होगी। उसने चार स्ट्रेंजर्स को फेस करना आता होगा, उसको जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो वो अपनी कंटीजेंसीज को सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी जरूर दिखा देगी या रिसोर्सफुलनेस अपना जरूर दिखा देगी क्राइसिस मैनेजमेंट करके। तो हमें ऐसी बंदी की रिक्वायरमेंट है। और जब सिलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ एनडीए में, जब एसएसबी शुरू हुई तो गर्ल्स का सिलेक्शन काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एनडीए में अभी तक की जाने वाली गर्ल्स में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सिलेक्शंस देके टॉपर्स, इस बार भी जो इंडिया की मेरिट आई थी उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 गर्ल्स में मेरी स्टूडेंट थी। इससे पहले जब मेरिट आई थी तो ऑल इंडिया रैंक 2 गर्ल्स में सानिया मिर्जा मेरी स्टूडेंट थी। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का कंट्रीब्यूशन गर्ल्स को लेके काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा, आप कोचिंग पढ़ाते भी, आप भी क्लासेज लेते हैं? डेफिनेटली वीडियोस देखता हूँ। साइकोलॉजी का जब ये एक रिटन एग्जाम का पड़ाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू आता है। अच्छा, एसएसबी इंटरव्यू जिसको बोला जाता है, टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ द इंडिया, काफ़ी बोला जाता है कि इससे टफ इंटरव्यू इंडिया में नहीं होता है। तो उसकी जिम्मेदारी मैंने, मतलब मेंटली रूप से आप ज़्यादा मजबूत करते हैं किसी व्यक्ति को, डेफिनेटली कह सकते हैं आप। ठीक है, तो बातचीत का समापन का वक्त आ गया है, अगर आप कुछ और कहना चाहें, कुछ अपील करना चाहें युवाओं से तो आप? जितने भी आर्म फोर्सेस के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप अपने आप से पूछेंगे 11th के बाद 12th के बाद सबसे बेहतर करियर ऑप्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो आपका आपके मन में कई सारे जवाब तैर रहे होंगे। उनमें से एक होगा कि मैं जेई की तैयारी करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी का होगा कि मैं नीट के थ्रू डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी का होगा मैं लीडर जो समाज का नेता है वो बनना चाहता हूँ। आर्म फोर्सेस पूरे देश में एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ये सब कुछ जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो सब कुछ आपको आर्म फोर्सेस ही प्रोवाइड करता है। आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आप जाइए नीरज चोपड़ा जी की तरह, आप कॉमनवेल्थ गेम में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करिए। एक एग्जाम्पल नहीं है, मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल, वो भी आर्म फोर्सेस के थ्रू ही उन्होंने उस लेवल पर अचीवमेंट हासिल किया। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, AFMC और MNS के थ्रू चले जाइए, वर्दी के साथ आप अपने मेडिकल प्रोफेशन को एक्सप्लोर करिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप रडार बनाइए, आप जहाज बनाइए, आप वेपन मैनेजमेंट करिए, मेंटेनेंस करिए। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाइए। आप विंग कमांडर अभिनंदन की तरह अकेले इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ आपके जहाज को दिखाया जाएगा, क्या होने वाला है, सारे एंकर्स उसी पे बात करेंगे, आपको लगता है कि आपके अंदर वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करने का जज्बा है। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है। तो जो भी कुछ करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 10 साल के लिए ही जाइए, बट एक बार एक्सप्लोर जरूर करिए, देखिए जरूर कि आर्म फोर्सेस में वर्दी पहनने के बाद आपके इमोशंस, आपकी सर्वेंट लीडरशिप कैसे एक्सप्लोर होती है, जहाँ पे आप मुझे लगता है कि एक लाइन है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब माँ और मातृभूमि, इससे मूल्यवान हमारे लिए कुछ भी और नहीं हो सकता। तो इस बात को आप रियलाइज तब करेंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।